टेलीविजन में चैनल्स में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सब उसके मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। यहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी के को इस स्थिति तक पहुंचाया, और उन कार्यकर्ताओं को भी जो मेरे सामने इस वक्त में नहीं है लेकिन गांव में कहीं बैठे होंगे, मेरा बूथ का मंडल बूथ का अध्यक्ष और उसकी पूरी टीम, वो विधानसभा वो मैं अपने मंडल अध्यक्ष वहां के प्रभारी संयोजक सह संयोजक उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया है उस परिश्रम की कल्पना साकार होने वाली है 23 तारीख को, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 2019 के लोकसभा के चुनाव कल ही पूर्ण हुए, वैसे तो कई प्रकार के एग्जिट पोल ने भी अपनी अपनी जो भी उनके पास सूचना थी उसके आधार पर अपनी कुछ अंक उन्होंने निकाले हैं, पर राजस्थान में आज हमने अपने सारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हर एक लोकसभा में लगे हुए थे प्रमुखता के रूप से उन सबसे पूरा डिटेल लिया, और डिटेल लेने के बाद मैं बहुत आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि राजस्थान की 24 में से 24 जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और एक पर जिसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है वो सभी सीटें जीतेगी। ये आपको भले ही अभी आश्चर्य लगता होगा लेकिन 23 तारीख को शाम को ये सत्य साबित होगा। इसके कई कारण हैं। पहला तो ये चुनाव पहला चुनाव देखा मैंने जो नरेंद्र मोदी के नाम से एक तरह से संपूर्ण क्षेत्र में एक विचार बना कि पहले भले ही उसने कांग्रेस को वोट दिया, किसी कारण से किसी ने जाति कारण से दिया, लेकिन अब की बार हर व्यक्ति के दिमाग में था कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री देश के लिए चाहिए जो देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सके, आतंकवाद से देश को बचा सके, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिला सके, और ऐसी योजना जिनके द्वारा गरीब का कल्याण हो सके और गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए जिस प्रकार का टैक्स स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया उसके कारण से भी देश का अधिकांश 70% आबादी है ना इनकम टैक्स स्लैब से बाहर निकल गई, और बड़े लोगों ने जिन्होंने ज़्यादा कमाते हैं उनसे वही टैक्स स्लैब रख करके उनसे टैक्स वसूल करने का भी प्रयास किया। और फिर से दो जो बड़े कारण हुए, राजस्थान सरकार ने पिछला चुनाव जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा वो कांग्रेस के लिए स्वयं के लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। उसमें विशेष करके जो उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ की जो बात कही वो फील्ड में 10 दिन का कर्जा माफ का कोई पैसा किसी किसान के खाते में ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण से, कुछ उन्होंने प्रमाण पत्र जरूर कागज़ पकड़ा दिए लेकिन खाते में नहीं जाने के कारण से जनता को समझ में आया कि हमारे साथ ठगी हो गई, उसके कारण से भी उनको माइनस पॉइंट पड़ा। जो एग्जिट पोल का उत्साह था वो बैठक में प्रकट हुआ, और उस एग्जिट पोल की जो ताकत थी वो बूथ के कार्यकर्ताओं को सबने धन्यवाद दिया। इस चुनाव में जिन लोगों ने ज़मीन से लेके और शीर्ष स्तर के नेताओं ने जो शिरकत करी, राजस्थान की पार्टी को एक संबल दिया, साथ और समर्थन सहयोग दिया, उन सब का आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ क्योंकि मतगणना काउंटिंग ये चुनाव का एक ज़रूरी हिस्सा होता है और उसमें किसी तरीके की हमारी तरफ से कोई कमजोरी नहीं रहे, इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र के काउंटिंग एजेंट्स की और उसके पूर्व संध्या पे उनकी ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा, और उसके बाद वो अपने मतगणना के लिए अपने अपने स्थान पे जाएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं और पूरी तरह से मेजॉरिटी आएगी बीजेपी की सेंटर में, और यहाँ भी राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम ही लोग जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। मैंने जैसे बताया कि हमारी फुल मेजॉरिटी आएगी, सेंटर में भी फुल ऑन मेजॉरिटी आएगी, और स्टेट में तो 25 की 25 सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है। आपकी भी शामिल है, किस तरह से? डेफिनेटली मेरी भी शामिल।
नहीं, सवाई माधोपुर में भी जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गई थी तब मैं नई थी, तो एक दो दिन लगे थे थोड़ा सा समझने में। यहाँ भी यही बात थी, लेकिन इतनी जल्दी मुझे घुल मिल गई मैं। कार्यकर्ताओं का काम इतना अच्छा था, रात दिन एक करके हमने वो चुनाव लड़ा और जनता ने जिस तरह से एक्सेप्ट किया, मुझे भी एक्सेप्ट किया, जिस तरह से मोदी जी की लहर थी, और तो कोई इसमें संदेह नहीं था कि संदेह नहीं रहा कि कौन जीत रहा है। बहुत जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन भी बहुत अच्छा परसेंटेज था, 64% था, इस बार पिछली बार 58% था, तो वो तो सामने दिख ही रहा है कि क्या होने वाला है, चुनाव का क्या नतीजा होने वाला है। और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था इस बार, जनता चुनाव लड़ रही थी और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री तो बनाना, ये उन्होंने डिसीजन ले लिया था उसी समय, लग रहा था कि नहीं ये तो होने वाला। जो एग्जिट पोल के नतीजे उन पर कितना ट्रस्ट करती है पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने आप जैसे पदाधिकारियों जो चुनाव लड़ा उनको बुला के आज फीडबैक भी लिया है जिस तरह से? नहीं, बहुत अच्छा एग्जिट पोल्स जो आए हैं ये हमने तो कराए नहीं है, ये न्यूज़ एजेंसीज़ ने कराए, सर्वे एजेंसीज़ ने कराए, तो इनका भी मैं बिल्कुल इनमें मैं तो भरोसा करती हूँ कि ये जो भी इन्होंने सर्वेज़ कराए हैं ये एक्यूरेट हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग भी पहले बात यही कर रहे थे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी, सर्वेज़ भी यही आ रहे हैं कि अब मेजॉरिटी बीजेपी की आ रही है।